कुछ दिनों में ही राखी आने वाली है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी राखी के स्पेशल आउटफिट्स। और जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नए कपड़े नहीं लिए होंगे क्योंकि शॉपिंग करने से भी वो डर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो हमारे ही वार्डरोब में कपड़े हैं उन्हीं के साथ में मिक्स मैच करके नया स्टाइल देने वाले हैं हमारे कपड़ों को लेके। और अगर आपने नए कपड़े लिए हैं तो भी आप कैसे इनको नए तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। शर्ट और स्कर्ट मैंने लॉकडाउन के पहले ही सिलवा लिया था, तो यहाँ पे मैंने शर्ट को स्कर्ट के अंदर टक इन कर लिया है और एक बेल्ट लगा लिया है ताकि ये कंप्लीट लुक दिखे। और साथ में क्योंकि ड्रेस मेरा काफ़ी सोबर सा है इसलिए मैंने यहाँ पे हैवी ज्वेलरी भी डाल ली है। और यहाँ पे मैंने जूतियाँ डाली हैं क्योंकि मुझे हील्स नहीं चाहिए थे ताकि मैं पूरे दिन बहुत ही कम्फर्टेबल भी फील करूँ। ये शर्ट और स्कर्ट मैंने एक सलवार कुर्ते के कपड़े से बनवाया था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई नॉर्मल सा कुर्ता और सलवार मैं इस कपड़े से सिलवाऊं। और आप देख सकते हैं शर्ट में इतना अच्छा ग्लेज आ रहा है, और ये जो शर्ट और स्कर्ट का कॉम्बिनेशन है वो यूजुअली जो हमारा सलवार और कुर्ते के कॉम्बिनेशन से अच्छा दिख रहा है ना। स्कर्ट को मैंने पट्टू स्कर्ट में सिलवाया है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और हल्का भी रहता है। और जो आप शर्ट देख रहे हैं वहाँ पे हल्की सी ग्लेज है इसीलिए ये काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, फेस्टिवल टाइम के लिए परफेक्ट है। जो मेरे सेकंड स्टाइलिंग है वो फर्स्ट स्टाइलिंग को ही आगे बढ़ाते हुए है। यहाँ पे मैंने रेड कलर की चुन्नी ली है, बांधनी की चुन्नी है, बहुत ही प्रिटी ये पूरा का पूरा आउटफिट दिख रहा है, पूरा फेस्टिवल लुक है। यहाँ पे पहले वाली इयररिंग्स को मैंने यहाँ पे चेंज करके लंबी इयररिंग्स डाले हैं क्योंकि लंबी इयररिंग्स से क्या होता है आपका जो फेस कट है वो थोड़ा सा लंबा दिखता है, और मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी कुछ इस तरीके से रखी है ताकि ये जो फेस कट है वो लंबा दिख सके। थर्ड लुक में मैंने यहाँ पे एक जंपसूट लिया है, ये एक सोबर लुक में है इसलिए मैंने फेस्टिव लुक देने के लिए एक गोल्डन चुन्नी ली है, इसको श्रग में मैंने कन्वर्ट किया है। चुन्नी के सेंटर को एंड से अगर आप सेफ्टी पिन से अटैच करते हैं तो ऐसा श्रग बन जाता है, तो ये आपके रेड कलर के जंपसूट को एक बहुत ही अच्छे से फेस्टिव लुक दे देगा। साथ में ही मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा गोल्डन बेल्ट लगा लिया है। तो देखिए कितने आसानी से आपका जंपसूट मतलब कि वेस्टर्न लुक आपका एथनिक लुक में कन्वर्ट हो गया है। मैंने यहाँ पे गोल्डन चुन्नी ली है, आप कोई भी तरीके की चुन्नी ले सकते हैं जो आपके पसंदीदा चुन्नी है और उसको श्रग में कन्वर्ट करके पहन सकते हैं। कानों में मैंने हैवी इयररिंग्स डाले हैं लेकिन मैंने गले पे कुछ नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ ये लुक कह रहा है रक्षाबंधन के लिए। ये लुक मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि आपकी ये फ्री स्पिरिट को भी अलाइव रखता है, फेस्टिवल टाइम है उसके लिए आपको पूरी के पूरी तरीके से सजा भी देता है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। ये लुक पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। और यहाँ पे मैं थोड़ी और एक्सपेरिमेंटल हो गई थी। फोर्थ लुक भी एक इंडो वेस्टर्न लुक है, यहाँ पे मैंने एक टॉप के नीचे एक पैंट डाला है और इसको मैं कैसे स्टाइल करूँगी चलिए देखते हैं। फेस्टिवल लुक है इसलिए यहाँ पे प्लीटेड ब्रोकेड वाली चुन्नी ली है, और क्योंकि वेस्टर्न लुक भी है इसलिए मैंने एक सिंपल सी इयररिंग्स डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करा है। और वेस्ट में यहाँ पे मैंने एक बेल्ट डाल दिया है, वो भी एक वेस्टर्न बेल्ट ही है, अदरवाइज मैंने इसके ऊपर एक गोल्डन बेल्ट भी डाला था लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लुक में एक वाइट कलर की बेल्ट ही डाली हुई है और ये मेरा कम्प्लीट लुक है। वैसे तो मेरा मेकअप हमेशा ही सिंपल रहता है लेकिन इस लुक के लिए भी खास ध्यान दीजिएगा कि आपका लुक काफ़ी सिंपल और सोबर रहना चाहिए। इस आउटफिट में भी आप बहुत ही सिंपल और क्लासिक दोनों ही दिखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है ये कॉम्बिनेशन, एक बार ज़रूर ट्राई आउट करिएगा। हमारा जो लास्ट आउटफिट है वो है ये प्यारा सा ड्रेस। ये जो ड्रेस है वो मैंने बनाया हुआ है एक साड़ी से। जी हाँ, इतनी खूबसूरत साड़ी थी और बहुत पुरानी हो चुकी थी इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करा था एक साड़ी ड्रेस में, और देखिए कितना खूबसूरत इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। ड्रेस के ऊपर मैंने हैवी इयररिंग्स डाले हुए हैं, फेस्टिवल टाइम है इसलिए हैवी इयररिंग्स हमेशा से चलते हैं। और यहाँ पे ये जो खूबसूरत सा इवनिंग पार्टी गाउन मैंने डाला हुआ है वो आप राखी के पार्टीज़ या फिर इवनिंग पार्टीज़ अगर कुछ होंगे, हालांकि कोविड टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी आपके पर्सनल गैदरिंग्स होंगे तो आप उसमें ज़रूर से पहन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो इस पार्टी गाउन की जो स्टिचिंग है वो भी साड़ी स्टाइलिंग में ही है। तो ये थे राखी के आउटफिट आइडियाज़ ड्यूरिंग कोविड 19। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा,
चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कौन सा वाला आपको आउटफिट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर।